नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और बीडीडी कुकुम्बर की हिंदी की सीरीज जारी रखते हुए मैं आज आपको कुछ अनोखी चीज़ बताने वाला हूँ कि एक्चुअली हम जो ये गिवन, वेन, देन एंड बट वगैरह यूज़ करते हैं, तो रियल टाइम में हम उसको प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस हिसाब से यूज़ करना चाहिए, किस अंदाज से यूज़ करना चाहिए कि वो रीडेबल हो। मान लो कोई नया बंदा आपके प्रोजेक्ट में आता है और उसको आपको आपके पास केटी देने के लिए टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। वो बोलेगा कि मुझे फंक्शनैलिटी समझ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन मान लो नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? भाई तू फीचर फाइल देख ले, फीचर फाइल से पढ़ने की कोशिश कर, समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत फंक्शनैलिटी, बाकी कभी पूछ लेना, हम बता देंगे, अभी टाइम नहीं है। ठीक है, तो अगर वो बंदा जाके पढ़ने लगे और उसको इसका कुछ भी सर पैर ना समझ में आए, तो फिर वो फीचर फाइल का मतलब ही क्या है जो कि एक्सप्लेनेटरी ही ना हो। ठीक है, तो अभी हम गिवन एंड और देन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं एक एक चीज बताऊंगा, पहले गिवन की बात करते हैं। गिवन का क्या मतलब है? दिस इज योर यू नो इंटेंट, इंटेंशन, आप चाहते क्या हो करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गिवन आई वॉन्ट टू क्रैक सिविल सर्विसेज, मतलब आपको सिविल सर्विसेज करना है, एंड आई वॉन्ट टू स्कोर AIR ऑल इंडिया रैंक बिटवीन 200 टू बिटवीन 100, ऑल इंडिया रैंक लेस देन 100, okay, and I want to join best IAS coaching and I bought a lot of books online from Amazon. Phir when I join the IAS coaching, then I realized competition is too much and I decided to hire a special trainer or coach and I had to pay him a lot more, but I am still skeptical about it. कुछ चीजें समझ में आ रही है? ये क्या होता है? ये है इंटेंशन। आपको क्या करना है लाइफ में, क्या करना है उस पर्टिकुलर टेस्ट सिनेरियो में, क्या करना है वो टेस्ट केस में, क्या करना है, क्या करना, क्या आप क्या चाहते हो करना। आपको लॉगिन फंक्शनैलिटी चेक करनी है, आपको होम पेज चेक करना है, आपको ऐड टू कार्ट पेज चेक करना है, आपको यूजर रजिस्ट्रेशन चेक करना है, आपको चेकआउट चेक करना है, आपको सेटिंग्स पेज चेक करना है, आपको यूजर प्रोफाइल पेज चेक करना है। क्या करना है, मुद्दा क्या है, मकसद क्या है, ये गिवन बताता है। फिर एक बार आपने मुद्दा डिसाइड कर लिया, फिर आप बोलोगे मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। ठीक है, जिन लोगों ने डेवलप किया आपका कुकुम्बर, उन्होंने क्या रखा, उन्होंने बोला कि अगर आप चाहो तो एंड और बट को यूज ना करो। यहां पर आप ऐसे गिवन भी लिखोगे ना तो भी ये काम करेगा। और कायदे से आर्किटेक्चरल डिजाइन जो कुकुम्बर का इस बेसिस पे हुआ है, एंड और बट के बेसिस पे नहीं हुआ है, इसी बेसिस पे हुआ है कि ये मेरा मेन मकसद है, ये मेरे छोटे 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 और मकसद हैं, या फिर उस मकसद को पूरा करने के लिए ये मेरे हेल्प हैं, या ये मेरे को करना पड़ेगा, ये रिक्विजिट्स हैं, वो चाहे प्री हो, इंट्रा हो, पोस्ट हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये मेरे को करना पड़ेगा, तो ये आप चाहो तो उसको गिवन में दे सकते हो। एक चीज आप ध्यान रखिए, मान लो आपका एक, मैं भी इस सबको ना थोड़ा छोटा कर देता हूं साइज। मान लो ये आपका एक सिनारियो चल रहा है इधर, ठीक है, सिनारियो आई वॉन्ट टू क्रैक कंट्री लेवल सिविल
सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, आपका एक सिनारियो चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप एंड एंड नाउ यूज करके गिवन भी यूज करो, बाई डिफॉल्ट टेक्निकल डिजाइन टेक्निकल आर्किटेक्चर भी इसी बेसिस पे है। एक चीज आप ध्यान रख लो, एक पर्टिकुलर सिनारियो में एक ही वेन यूज होना चाहिए। आप ये कुकुम्बर वाले भी बोलते हैं कि अगर एक सिनारियो, ये पहला सिनारियो है अपना, इसमें मैं इसमें टैग बना देता हूं ताकि आपको और इजी लगे। लेट से ये है सिनारियो वन, ठीक है, ये पहला सिनारियो है। एक सिनारियो में कुकुम्बर वाले क्या बोलते हैं कि एक ही वेन यूज करो। ठीक है, वेन का मतलब है एक कंडीशन। आप मल्टीपल कंडीशंस अगर बना रहे हो तो फिर आप मल्टीपल सिनारियोज बनाओ। एक सिनारियो में एक वेन कंडीशन लगाओ भाई, तीन चार वेन कंडीशन मत लगाओ। और वेन के बाद ना ये प्रैक्टिस भी मना है, मतलब इट्स नॉट गुड कि आप एंड और ये बट वेन के बाद मत लगाया करो। ये लिटरली ये मना है, ये गलत है, ये डेंजर है, ये बहुत ही खराब वे ऑफ राइटिंग आपका फीचर फाइल। क्योंकि अगर कोई आपके इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाएगा तो अगर आप बोलोगे वेन के बाद में एंड और बट लगाऊंगा ना, वो समझ जाएगा कि इसका जो ना ही इसका टेस्ट केस लिखने का तरीका बहुत ही खराब है। तो आप इसको मत लिखिए। एक सिनारियो में एक ही वेन, अगर आपको और वेन लगाने की जरूरत पड़े तो आप एक काम करो, आप दूसरा सिनारियो बनाओ, आप दूसरा सिनारियो बनाओ, ठीक है, और उस पे काम करो, इस पे काम करो, ठीक है, जो भी आपको बनाना है बनाओ, लेकिन एक ही सिनारियो में एक ही वेन होना बेटर है, आप ज्यादा मत बनाओ। अच्छा, ये हो गया। अब तीसरी चीज, देन का मतलब है नतीजा, दिस इज मतलब रिजल्ट क्या आया, ठीक है, और रिजल्ट के बाद भी कुछ चीजें पता चली भैया, ये होने के बाद ये भी पता चला, ये भी पता चला, वो सब एंड में कवर हो जाता है। बट क्या है मतलब, फिर बट की क्या जरूरत, बट दर्शाता है नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव सिनारियो टेस्ट करने का। ठीक है, देखो यहाँ पे नेगेटिविटी आया ना, मैंने एक रियल लाइफ सिनारियो में भी नेगेटिविटी डाला। जब मैं नेगेटिविटी डालता हूं तो मैं बट यूज करूंगा, वैसे ही नेगेटिव टेस्टिंग करते वक्त आप बट यूज कीजिए। और एक चीज, यहां पर जो डिजाइन हुआ है ना, ये भी बाय डिफॉल्ट ऐसे डिजाइन हुआ है, ऐसे डिजाइन हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको एंड और बट को यूज करते हैं। आप एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, मैं इसको कमेंट में लिख देता हूं, एंड एंड बट आर एक्सटेंशंस ऑफ एट द रेट गिवन एंड एट द रेट देन एंड दे कैन ऑल्सो वर्क एज एक्सटेंशन ऑफ एट द रेट वेन, बट ये नहीं यूज करना चाहिए, गलत प्रैक्टिस है। एक ही एट द रेट वेन रखो और एंड एंड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं इसी को एक फीचर फाइल बना देता हूं, सॉरी मेन टैग लेट से कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट घर घर किन का, ठीक है, और मैं यहां पे एक फीचर बना देता हूं, आई वॉन्ट टू डिस्कस दी घर किन कीवर्ड्स, ठीक है। तो मैंने सिंपल एक फीचर फाइल आप लोगों के सामने बनाया, ठीक है, तो मैंने इसको ये भी हटा देता हूं, मैंने एक सिनारियो रखा ऐसा, मैं भी काम करता हूं, मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूं, हमारे कोड में चलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू फीचर फाइल बनाता हूँ, फीचर फाइल में क्या है, गर्किन कॉन्सेप्ट्स डॉट फीचर, बराबर, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। ओहो देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एट द रेट गिवन नहीं होना चाहिए, सॉरी, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक फीचर फाइल, गर्किन कॉन्सेप्ट्स अंडरस्कोर फीचर, ठीक है। अभी मैं इसका स्टेप डेफिनेशन बनाऊंगा, तो मैं राइट क्लिक गया, न्यू क्लास बनाया, गर्किन कॉन्सेप्ट्स अंडरस्कोर
स्टेप डेफिनेशन, बराबर है। अच्छा और एक चीज मैं आपको बताया था ना कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर गिवन 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 देन 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 हो जाएगा, मैंने बताया था कैसे होगा, लेकिन मान के चलो आपने यहाँ पर, हम लोग कायदे से तो ऐसे ही लिखते हैं एंड एंड एंड, और देन के बाद भी हम कायदे से ऐसे लिखते हैं जो मल्टीपल हो रहे होते हैं, और ये जो नेगेटिविटी है इसको हम लोग लिखते हैं बट से, मैंने इसको सेव कर दिया। अभी मैं अगर आपको बोलूं कि इसका स्टेप डेफिनेशन बनाओ, आप यहाँ से कॉपी करोगे फिर यहाँ जाके पेस्ट करोगे, थोड़ा टाइम टाइम टेकिंग एफर्ट है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। एक तरीका ये है, इसी फीचर फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके रन एज कुकुम्बर फीचर कर दो आप, तो वो क्या करेगा, स्टेप्स इंप्लीमेंट करने के लिए आपको वो बता देगा कि भैया ये डाल दो, तो आप एक काम करना इसको उठाना, इस जितने स्टेप्स हैं यहाँ तक कॉपी करो, स्टेप डेफिनेशन में जाओ, इधर पेस्ट कर दो, इसको सेव करो, और आप एक चीज नोटिस करोगे, माना कि हमने फीचर फाइल में एंड 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 दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए गिवन 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 व्हेन देन देन बोल के कॉपी हुआ है। बाय डिफॉल्ट आर्किटेक्चर में ये बताया गया है कि ये जो एंड और बट है ये गिवन देन और वेन के एक्सटेंडेड पार्ट हैं, इनके लिए सेपरेटली कोई एनोटेशन का वो सीन नहीं है, लेकिन हम लोग जब जबरदस्ती इसको डालते हैं और वो कुकुम्बर इंटरनली इसको सपोर्ट करता है। देखिए अभी हमने कुकुम्बर फीचर फाइल को, मैंने जब इसको रन किया तो आउटपुट में देखिए उसने सजेशन क्या दिया, अगर एंड और बट का खुद का कोई एनोटेशन होता तो यहाँ पर एंड ना सजेस्ट करता, वो गिवन क्यों सजेस्ट किया, गिवन इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि एंड 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 एक्चुअली गिवन के एक्सटेंडेड है, तो बाय डिफॉल्ट जो इंटरनल कुकुम्बर का आर्किटेक्चर है वो गिवन 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 ही करेगा जब तक आपको वेन या देन नहीं मिल जाता, जैसे ही आपको वेन या देन मिलेगा वो गिवन वाला वहां पे ब्रेक हो जाएगा, फिर वेन के वेन आया, वेन के बाद मैंने कोई एंड या बट नहीं दिया था तो एक ही वेन हुआ, फिर देखिए जब दोबारा देन दिया, मैंने दो एंड दिए थे लेकिन ये दो देन में आ गए, और फाइनली जब मैं बट भी दिया था बट भी देन में आ गया, तो टेक्निकली हमने ये उठा के यहाँ पे डाल दिया है, तो अभी हम इसको इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है, वेन को इम्पोर्ट करेंगे, देन को भी इम्पोर्ट करेंगे, सेव कर दिया, एरर हट गया। अभी और एक चीज़ करनी है, ये एक्सेप्शन हटाना है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके इसका सिनेरियो वन है, इसका स्टेप डेफिनेशन में जाएंगे, सॉरी रनर फाइल में सिनेरियो वन, ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो फीचर फाइल में गिवन एंड 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 व्हेन देन एंड एंड बट है, बट स्टेप डेफिनेशन में बाय डिफॉल्ट हमने जो कॉपी किया वो गिवन 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 आ रहा था और व्हेन 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 आ रहा था, एंड और बट तो है ही नहीं, तो मैं अगर अभी रनर फाइल रन करूंगा तो एरर थ्रो करेगा क्या, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, मैं इसको रन कर देता हूं। देखिए कुछ एरर आया, एक सेकेंड, पेंडिंग एक्सेप्शन, ओ इसको मैंने हटाया नहीं था, सॉरी, मैं इसको दोबारा रन करता हूं। देखिए बिना एरर के हमारा कोड भी रन कर गया, देखिए परफेक्टली कोड रन कर गया, ठीक है, आप जे यूनिट में चेक करो, कोड एकदम बराबर रन कर गया, कोई दिक्कत नहीं आया, और आउटपुट में देखो आप, उसने एंड 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 दिया है, आउटपुट में बराबर काम किया है, तो हम इसको जाके इसका रिपोर्ट चेक करेंगे।
देखिए यहाँ पे गिवन 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 नहीं है, एंड 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 है। तो बस आप ये समझ लीजिए कि ये जो फंडामेंटल है गिवन व्हेन देन का, इसको आप कायदे से यूज कीजिए। कुछ भी मनधड़न लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए बाय डिफॉल्ट आर्किटेक्चरल लेवल पे जब हम फीचर फाइल को जबरदस्ती रन किए तो उसने हमें ये वाले रिकमेंडेशन दिए। इसमें इन्होंने बट एंड वगैरह कुछ नहीं लिया, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा ये गिवन है ना, गिवन एंड और बट गिवन के एक्सटेंडेड वर्जन्स हैं। तो बट हम उनको एंड करके लिखते हैं। ये मैं हटा देता हूँ, वो मैंने बताते बताते में वो एक्स्ट्रा लिख दिया था। तो हम यहाँ पे एंड ही यूज करते हैं एक्सटेंडेड वर्जन में, गिवन गिवन और देन देन व्हेन 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 नहीं यूज करते, क्योंकि हमारा ये फीचर फाइल थोड़ा रीडेबल बेटर होता है। और जब नेगेटिविटी आती है तो हम उसको बट यूज करते हैं। तो बस मैं इतना ही आपको बताना चाहता था। हो सकता है इंटरव्यू में ये पूछा जाए, वैसे हो सकता है ना पूछा जाए, बट फिर भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कल को मान लो यहाँ पर एक फीचर फाइल में 200 सिनेरियोज हैं, ठीक है? आप बैठ के 200 एनोटेशन थोड़ी ही बनाते बैठोगे, पागल हो क्या? वो 200 सिनेरियोज में मान लो पांच पांच स्टेप हैं, 1000 स्टेप्स हो गए। यहाँ पर एक सिनेरियो है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 10-12 स्टेप्स बनाए हैं। मान लो ऐसे 200 सिनेरियोज हैं एक फीचर फाइल में और हर में पांच स्टेप है, 1000 स्टेप हो गए। आप बैठ के इधर थोड़े ना एट द रेट गिवेन, एट द रेट वेन, एट द रेट देन करते रहोगे बैठ के, मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बनाया था। बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इस फीचर फाइल को रन एज फीचर करते हैं, फिर वहां पे वो बताता है, हम उसको उठा के इधर चेप देते हैं और वो एक्सेप्शन वगैरह हटा के सेव कर देते हैं, फिर उसको रन करते हैं। और एक कायदे से रन करता भी है और कायदे से आउटपुट निकालता भी है। और हम जब रिपोर्ट भी जाके चेक करते हैं तो रिपोर्ट में भी बराबर एंड और बट यूज होके आया हुआ रहता है। बस मैं यही आपको बोलना चाहता था कि गिवन वेन और देन ज्यादा वो थोड़ा फोरफ्रंट में है एंड उनको सपोर्ट करता है। एंड और बट आर नथिंग बट एक्सटेंडेड एक्सटेंशंस ऑफ द कीवर्ड्स गिवन देन। वेन में कीवर्ड एक्सटेंशन नहीं करना चाहिए, कुकुमर वाले खुद मना करते हैं कि आप ये वेन के साथ एक्सटेंड मत करो, दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। ये एक्सटेंशन ऑफ वेन इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, इसको आप बिल्कुल भी यूज मत करो, ठीक है? इनको यूज नहीं करना चाहिए, तो आप ये मत यूज कीजिए, ठीक है? इसको आप, ये रेड क्यों नहीं हो रहा भाई? ओके पता नहीं क्या हो रहा है, छोड़ो जो भी हो रहा हो, तो इसको आप मत यूज कीजिए, ठीक है? ये रेड में इसीलिए डाल रहा हूं मैं, ताकि ये डेंजर है, मत यूज करो, ये खराब प्रैक्टिस है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ गिवन व्हेन और देन का महत्व और एंड और बट क्यों उनके एक्सटेंशन है, ये वीडियो में आपको समझ आया होगा, ताकि कल को फ्यूचर में मैं आपको बोलूं कि इतने सारे स्टेप्स उठा के कॉपी करके स्टेप डेफिनेशन में डालो, तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे मैंने किया है। और आप लोग भी आराम से कर दो। कोई इंटरव्यूअर में देखो, मान लो एक बीडीडी कुकुम्बर का एक इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है? और वो बंदा यहाँ पे 10 सिनारियो, वो बोल देगा कि राइट ऑल दी स्टेप्स, बैठ के लिखोगे क्या? थोड़ी ना 200 स्टेप्स 10 सिनारियो के, नहीं ना, राइट क्लिक करोगे फीचर फाइल में, रन एज फीचर करोगे, उठाओगे स्टेप डेफिनेशन में डालोगे, कंट्रोल शिफ्ट वो करोगे, देखिए गिवन देन और वेन भी आ गया, ठीक है? वो बोलेगा आपने वहां पे एंड बनाया था, इधर आपने गिवन गिवन आ रहा है, ये कैसे चलेगा? वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपको ये चीज पता है तो आप बता देना कि एंड और बट आर एक्सटेंशन ऑफ कीवर्ड्स। बाय डिफॉल्ट कुकुम्बर आर्किटेक्चर सपोर्ट्स एट द रेट गिवन, एट द रेट देन एंड एट द रेट वेन। जितना आप एंड और बट उनके गिवन के बाद और वेन के बाद और देन के बाद डालते जाओगे, बाय डिफॉल्ट आर्किटेक्चर लेवल पे एनोटेशन एट द रेट गिवन, एट द रेट वेन एंड एट द रेट देन पे आएगा। बट जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे आउटपुट में हमको
कायदे से एंड और बट मिलेगा, तो ही विल बी वेरी इम्प्रेस्ड। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल ऑटोमेशन हब साथियों को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। साथियों के साइनिंग ऑफ।